जो दूसरों के दोषों को ना देखकर गुणों को ही देखता है, संसार में वही मनुष्य सुखी है। जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका गोपेश ज्ञान यूट्यूब चैनल में। आज का विषय बड़ा ही ज्ञानवर्धक और जीवन में उतारने योग्य है। आपसे निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अवश्य देखें, क्योंकि मैं आपको बहुत ही अनमोल बातें जो हमारे सनातन धर्म ग्रंथों में महापुरुषों ने हजारों साल पहले ही लिख कर रख दी है, आपको वीडियो के माध्यम से पहुंचाता रहता हूं। तो आइए ज्यादा समय ना लेते हुए चलते हैं अपने आज के विषय पर। बंधुओं, एक बार इंद्र के दरबार में कुछ देवताओं ने भगवान श्री कृष्ण के बारे में कुछ प्रशंसनीय शब्द कहे। उन्होंने कहा, हे देवेंद्र, इस समय मनुष्य लोक में भगवान श्री कृष्ण ही सबसे श्रेष्ठ और गुणशाली पुरुष हैं। देवताओं के मुख से श्री कृष्ण की प्रशंसा सुनकर इंद्र को कुछ बुरा सा लगा। इसलिए इंद्र श्री कृष्ण की परीक्षा के लिए एक मरे हुए कुत्ते का रूप बनाकर रास्ते में पड़ गया। उसके शरीर से भयंकर दुर्गंध निकल रही थी, उसका मुंह फट गया था। उसी रास्ते से श्री कृष्ण जा रहे थे। उन्होंने जब उस मरे कुत्ते को देखा तो कहने लगे, अहो, इस मरे हुए कुत्ते की दांतों की पंक्ति कितनी सुंदर है, ऐसा लग रहा है जैसे मोती चमक रहे हैं। सज्जनों, उनका ध्यान उस सड़ी दुर्गंध की ओर नहीं गया, बल्कि उसमें जरा सा भी उन्हें गुण दिखाई दिया, उसी पर उनकी दृष्टि गई। यह देखकर इंद्र कुत्ते का रूप त्याग कर अपने रूप में प्रकट हो गया और हाथ जोड़कर कहने लगा, धन्य हो प्रभु, सच्ची गुण ग्राहकता यानी कि गुण या खूबियों के ग्रहण करने की कला तो आप में ही है। कहते हैं, जो दूसरों के दोषों को ना देखकर दूसरों की गुण ही देखता है, संसार में वही सुखी मनुष्य है। परंतु लोग हमेशा दूसरों के अवगुण और अपने गुण देखते रहते हैं, अपने अवगुणों को कभी देखना ही नहीं चाहते, इसीलिए उनमें अवगुण जीवन भर बने रहते हैं और इसीलिए वे दुखी रहते हैं। महाभारत में दुर्योधन ने हमेशा अपने गुण देखे और दूसरों में अवगुण, यही कारण था कि उसे ना राज्य मिला और ना बुजुर्गों का आशीर्वाद। कहते हैं, जो व्यक्ति स्वार्थी होता है उसे कभी भी अपने में दोष नजर नहीं आते, उसे अपने दोष भी गुण ही नजर आते हैं, और परस्वार्थी व्यक्ति की दृष्टि हमेशा अपने अवगुणों पर रहती है। कहते हैं, विवेकपूर्ण बुद्धि वाले पुरुष शक्ति के अनुसार काम करने की इच्छा रखते हैं और करते भी हैं। वे किसी व्यक्ति या वस्तु को तुच्छ समझकर उसकी अवहेलना नहीं करते। श्रेष्ठ लोग श्रेष्ठ कर्मों में रुचि रखते हैं, उन्नति के कार्य करते हैं तथा भलाई करने वालों में दोष नहीं निकालते। दूसरों के गुणों को देखने का अर्थ है, हम जो देखते हैं वही सोचते हैं, और जो सोचते हैं वही करते हैं, और जो हम करते हैं वही हमें मिलता है। आपकी संतानें भी आपका ही अनुसरण करके बड़ी होती हैं। आप जो करते हैं वही संतान भी देखती है और फिर वैसा ही करती है। इसलिए हमेशा दूसरों के गुणों पर ही हमारा ध्यान होना चाहिए, ना कि अवगुणों पर। कहते हैं, यदि नीच व्यक्ति से भी यदि हमें कुछ गुण सीखने को मिल रहा है तो ग्रहण कर लेना चाहिए। चाणक्य जी ने कहा है, विषादप्य अमृतम किंचनाम ग्रहणाम मेध्यादपि नीचाद्युक्तमाम विद्या स्त्री रत्नम दुष्कुलादपि। इसका अर्थ है, यदि विष के अंदर अमृत पड़ा हुआ है तो निसंकोच पी लेना चाहिए। कीचड़ में यदि सुरण पड़ा है तो उसे बिना घृणा किए निकाल लेना चाहिए। नीच व्यक्ति से यदि विद्या सीखने को मिल रही है तो ग्रहण कर लेना चाहिए। यदि दुष्ट परिवार में कोई स्त्री गुणवान है, सुशील है, तो उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। दोस्तों, आज का प्रसंग आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट के द्वारा अवश्य बताएं। आप सभी दर्शकों का
बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।